हाँ चलिए सभी को राम राम जी। मैं वंदना राम कर रही हूँ। राम 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 करते हैं हम वंदना, नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मा, मंगल शिव शुभ कार्य जलि परमस्तक किए, विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर, मस्तक घुटने टेक तुझको हो पर नाम मम, शत शत कोटि अनेक पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान धार करूं पर नाम में, तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद में परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे पूरे बहु पर नाम, पुलकित हो मेरा तुझे कोटि कोटि पर नाम। आप सभी से आज मैं जूम के द्वारा मिल रही हूँ, आप लोग अमेरिका में रहते हैं और मैं गुरुग्राम में, मेरा नाम रमना सेखरी है। आज आपकी और मेरी मुलाकात प्रभु की प्रेरणा के द्वारा ही हो रही है। मुझे इसमें अति प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे गुरु महाराज जी ने आप लोगों से मिलने का संयोग बनाया है। कई व्यक्ति इसको अचानक ही हमारा मिलन हो गया ऐसा कह देते हैं, परंतु मैं इसको अचानक ना कहकर पूर्व निश्चित कहती हूँ कि यह हमारे महाराज जी का आदेश है और हम सभी साधक भाई बहनों का अपने स्वामी जी का आदेश सिर माथे होता है। प्रभु हमें कुछ भी काम कहें, हमारे गुरु महाराज हमें कोई भी आज्ञा दें, हमें सिर माथे अपने 10 काम छोड़ के भी गुरु महाराज की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। अपने हर कार्य को छोड़कर भी महाराज की आज्ञा का पालन करना ही हमारा ध्येय है, उद्देश्य है। सफलता भी हमारी इसी में है कि हम महाराज की आज्ञा का ही पालन करें। हम और आप सभी उस परम पिता की संतान हैं। हम ये कह देते हैं कि स्कूल में कि ये हमारे माता हैं पिता हैं, परंतु माता पिता भी जो हैं वो हैं तो प्रभु के ही बच्चे, हमारे अपने माता पिता के वो भी नहीं है, क्योंकि उनको बनाने वाला सृजन करने वाला परमात्मा ही है। तो इसलिए उनके भी वही माता पिता हैं, वही प्रभु ही जो है वो सभी के माता पिता हैं। सभी उस परम पिता की संतान हैं, परम पिता के अंश हैं, इस नाते से हम सभी भाई बहन हैं। कुछ उम्र में बड़े हैं, कुछ उम्र में छोटे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ उम्र छोटी बड़ी के बारे में। हमारी एक संसारिक आयु होती है, महाराज जी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, एक संसारिक आयु होती है, जिस दिन हम पैदा होते हैं तभी से हमारी उम्र शुरू हो जाती है। एक हमारी आध्यात्मिक आयु होती है, जब से हमने अध्यात्म के रास्ते पर पांव रखा होता है और इस मार्ग में आगे बढ़ने लगेंगे। महाराज ने लिखा है कि कभी कभी किसी व्यक्ति की आयु 70 साल की हो जाए पर अध्यात्म में वह अभी 2 साल का ही बच्चा है, क्योंकि उसको अध्यात्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। इसके विपरीत
कभी कभी बच्चा इतना छोटा होता हुआ भी परंतु उसे अध्यात्म का इतना ज्ञान होता है, तो वही से उसकी अध्यात्मिक आयु शुरू हो जाती है। कहने को बच्चा 15 साल का है परंतु अध्यात्म का ज्ञान जब वो देता है तो उसकी आयु जैसे 20-25 साल की है। हमने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, हमारे शिव कुमार जी देखिए कितनी उम्र में छोटे हैं, कितनी ज्ञान की बातें बताते हैं, तो इनको कितना अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो वही से हमारी अध्यात्मिक आयु शुरू हो जाती है, जिसको सुनकर उसके घर वालों को भी अचंभा होते हैं कि बच्चे से पूछ बैठते हैं कि तुमने ये सारी बातें कहाँ से सीखी है। इस पर बच्चा कहता है बस मुझे पता है। कितने भोलेपन से बच्चे ने कह दिया बस मुझे पता है। और यही स्थिति हमारे महाराज की रही, उन्होंने अपनी जीवनी में बताया कि मुझे 3 जन्मों की याद है। पहले जन्म में मैंने शादी की और बच्चे भी हुए, दूसरे जन्म में मैंने शादी की पर बच्चे नहीं हुए, और इस जन्म में मैं दृढ़ निश्चय करके आया था कि मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगा। अब महाराज ने शादी नहीं करी, पिछले जन्मों की जो पूंजी थी वो ही वो साथ लेकर आए थे, उसी पूंजी से उन्होंने इतनी छोटी अवस्था में सिर्फ 35 साल और 4 महीने उनकी आयु रही, उसमें उन्होंने पूरा इंडिया घूमा, इतनी लिटरेचर लिखे, इतना अध्यात्म, उसकी अध्यात्म की पुस्तकें महाराज की इतनी जबरदस्त हैं। हमने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं पर महाराज की कोटि की किताब हमें समझ में नहीं आई। महाराज इतने उच्च कोटि के हैं, किताबें उनकी रही हैं, तो उनके पिछले पूर्व जन्मों की ही पूंजी उनके साथ चली आ रही थी जो उन्होंने अपनी पुस्तकों द्वारा ज्ञान अपने भक्तों को अपने साधकों को दिया। अब हम सब की मंजिल तो एक ही है, अब मंजिल क्या है हमारी, सब ने परमात्मा के साथ जुड़ना है। जब तक हम परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें बार बार जन्म मरण होता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये मृत्यु से भी जन्म ज्यादा दुखदायी है। तो जब तक हम अपने अध्यात्म के ज्ञान से आगे बढ़ नहीं जाएंगे, प्रभु के साथ जुड़कर एक नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें बर्थ एंड डेथ के झमेले में पड़ते ही रहना है। तो इसलिए अगर हम समझदारी से काम लें इसी एज में, अब हमें थोड़ा ज्ञान आ गया है अध्यात्म का, तो हम इसी समय आगे बढ़ने की कोशिश करें कि जो हमें जन्म मिला है इस जन्म में हम ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म में प्राप्ति करें और प्रभु के पास पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के आगे आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमें कम जन्मों में प्रभु के पास पहुंचने की शक्ति मिले, हम पहुंच पाए, प्रभु से जुड़कर एक हो पाए। हमें नहीं पता कितना समय लगेगा परंतु हम जागरूक रह सकते हैं, जागरूक रहकर अपने काम कर सकते हैं, इसका किसी को कुछ नहीं पता है। हम प्रत्येक साधक जैसे जैसे निष्काम कर्म करें, अब निष्काम कर्म बहुत वर्ड छोटा सा है, समझने में बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्य है इसमें। निष्काम का क्या है, हम सब काम करें परंतु उसमें अपने को कर्ता ना माने, क्योंकि आई एम नॉट अ डूअर, करने वाला मेरे अंदर बैठा परमात्मा का अंश जो आत्मा में बैठा है वो ही करता है, परंतु हम मानव लोग जो है भूल से अपने आप को हर जगह पर छोटे छोटे से कामों पर भी कर्ता मान लेते हैं। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ जबकि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है परंतु फिर भी मैं वो करते हैं काम, क्योंकि अगर कहते मैं नहीं करूंगा तो सारी मेरी प्रजा भी वैसे ही बैठ जाएगी निठल्ली कि भगवान नहीं करते तो हमें भी क्या जरूरत है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए परंतु फिर भी प्रभु हर समय काम करते रहते हैं, तो इसलिए वो कहते मैं इतना करता हूँ तब भी मैं नहीं मानता कि मैं करता हूँ। प्रभु जो करने वाले हैं वो करता नहीं मानते, और हम बिना करने वाले सब अपने आप को छोटे छोटे काम के लिए कहते हैं ये काम तो मैंने किया, ये काम तो मैंने किया। ये जब सकाम भावना छोड़ देंगे, निष्काम भावना आ जाएंगे कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, किसी काम को भी करें तो उसको बिल्कुल ये माने ही ना कि ये मैंने किया है, मेरे अंदर बैठे परमात्मा ने किया है, महाराज ने कितनी अपने कर्म ऐसे होने चाहिए जिस प्रकार पानी में लकीर फेरी जाती है, पानी में लकीर डालेंगे कभी लकीर नहीं रहेगी, वो फिर पानी वैसे का वैसे हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कर्मों को कभी भी अपने आप को कर्ता मान कर ना करें, और जैसे प्रभु करवा रहे हैं हम यही कहें कि प्रभु ने करवाया और प्रभु को अर्पण, जो काम है प्रभु को अर्पण करते जाओ, निष्काम योग करें। दूसरा है नाम जप करें। नाम जप करना बहुत आसान है परंतु इसके लिए प्रभु कृपा चाहिए।
प्रभु कृपा के बिना हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। अब वो मार्ग में है ही प्रभु कृपा, हम उन्हीं के सहारे चल रहे हैं। जैसे जैसे प्रभु हमें चलाएंगे, हमें उनके इशारे पर ही चलना है। नाम जप इतना आसान है, आप हाथ से ब्रेन से सब काम करते रहिए, क्यों कि मन जो है, मन आपका खाली है, मन को राम नाम जप में लगाए रखो और काम करते रहो। नाम जप और समर्पण, समर्पण क्या है, सब काम करें और प्रभु को समर्पित करें, अपने लिए कुछ ना रखें। जब हमारे लिए कुछ रहेगा ही नहीं तो हमारे कर्म ही नहीं बनेंगे, जब कर्म नहीं बनेंगे तो हमारे संस्कार जो है सारे खत्म होते चले जाएंगे। जब तक हमारे पुराने सारे कुसंस्कार खत्म नहीं होंगे तब तक हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे। और कहते हैं महाराज ने कहा है और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान अग्नि जो है तुम्हारे सारे कुसंस्कारों को दग्ध कर देती है। अब ज्ञान अग्नि यहाँ पे क्या है, ज्ञान अग्नि हम कहेंगे बुकिश नॉलेज नहीं है, किताबें पढ़ के हमें ज्ञान नहीं आएगा, वो ज्ञान तो है बुद्धि। ये जो बुद्धि है वो तार्किक होती है, डिस्कशन करती है, बहस करती है कि मैं तो इस बात को नहीं मानता, परंतु ज्ञान जो है वो प्रभु के द्वारा दिया जाता है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञान को मैं सबसे, ज्ञानी को अपना सबसे प्रिय भगत मानता हूँ। तो ज्ञानी होना है, ज्ञानी क्या कि हम ये माने कि हम कुछ नहीं करने वाले, आई एम नॉट अ डूअर। तो इसलिए हमें समर्पण करते हैं, जो काम करें सब समर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में, किसी और के नहीं, सिर्फ प्रभु के चरणों में। और सेवा करें, सेवा क्या है, जो भी काम हमारे हाथ में आए चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी काम को छोटा बड़ा ना समझें। जो काम हमें अगर किसी ने दिया है ये काम कर दीजिए, तो आप उसको इमीजिएट हाँ जी कह के कर दीजिए, क्यों कि पता नहीं आपको ही उन्होंने, प्रभु ने काबिल समझा, इस योग्य समझा कि आप ये काम कर दीजिए। और देखिए आपको इसमें सेवा का अवसर मिल गया, अगर सेवा के अवसर से चूक गए आप तो वो सेवा आपके हाथ से चली गई, आपका एक अच्छे बनने का मौका आपके हाथ से चला गया। कभी भी आपको सेवा का मौका मिले, छोटी हो, हमें, मेरे को भी, किसी को भी सेवा का अवसर कोई देता है तो अवश्य आगे होके हाँ हाँ मैं करूंगी ये सेवा, त्याग सब कुछ सेक्रीफाइस करते जाओ, के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए चार पांच पॉइंट बताए हैं, निष्काम कर्म योग करना है हमने, और नाम जप करना है, समर्पण करना है, सेवा करनी है और त्याग करना है, करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और प्रभु को समर्पित होते जाएंगे। उतना जितना हम प्रभु को समर्पित होंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब प्रभु से जुड़ने के महाराज ने दो मार्ग बताए हैं, एक तो आरोह मार्ग है और दूसरा अवरोह मार्ग। अरोह मार्ग में हठ योग है, जबरदस्ती कि हमें व्रत रखना है, मेरे को भूखे रहना है, व्रत तपस्या इत्यादि करने पड़ते हैं। इसमें अपनी शक्ति से व्यक्ति आगे बढ़ता है, और उसको जब व्यक्ति अपनी शक्ति से आगे बढ़ता है तो उसको अभिमान हो जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। परंतु दूसरा मार्ग जो अवरोह मार्ग है, उसमें हमें किसी बात का अभिमान नहीं होता, हम सब कुछ प्रभु की कृपा को ही मानते हैं। अवरोह पथ में हमारी बुद्धि हृदय प्राण की व्याकुलता शांत हो जाती है। जो हठ योगी है, अरोह पथ है, वो अरोह पथ वाले वो अपने बल से चलते हैं, तो इसलिए उनको चिंता भी होती है कि इस काम में मैं कहीं गिर ना जाऊं, आगे ठीक से बढ़ पाऊं। परंतु हमारे में अवरोह पथ में महाराज ने क्या बोला है, हमको किसी बात की चिंता ही नहीं, हमारी बुद्धि हृदय प्राण शरीर सब प्रभु के हाथों में है, प्रभु ने चलाने हैं। हम सब कुछ से शांत रहते हुए केवल हमें अपने कर्मों को करना है, वो भी निष्काम भाव से, सब कुछ सरेंडर करना है, समर्पण करना है अपने महाराज के चरणों में। जब हम सरेंडर कर देंगे तो हमें कोई तड़प भी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके सारे काम प्रभु कृपा से ही हुए जाते हैं। इसमें साधक व्यक्ति में कोई जाति भेद नहीं होता, सभी को नाम जाप करते हुए अपने को प्रभु के साथ चरणों में जोड़े रखना है। हम जितना प्रभु के चरणों में जुड़े रहेंगे उतना ही हमें प्रभु के आशीर्वाद, महाराज की कृपा मिलती रहेगी। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, उस समय देखिए छोटा सा बच्चा जब रोता है या पुकारता है, माँ हाथ में कितने काम कर रही होती है, परंतु छोड़ के, सब काम छोड़ के भाग आती है कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। इसी प्रकार हमारी
है, सिर्फ हमारे पुकारने में कमी है। अगर महाशक्ति के आने में देर है, इसका मतलब हमारी पुकार में सच्ची पुकार नहीं है। हम सच्ची पुकार हृदय से बुलाएं, माँ महाशक्ति आ जा, मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझसे नहीं संभला जा रहा, तो माँ महाशक्ति आकर अपने बच्चे को संभाल लेती है। इस साधन पथ में, अवरोह पथ में तीन विशेषताएं हैं। हमें क्या करना है इस साधन पथ पर चलने के लिए? भागवती शक्ति में पूर्ण विश्वास, दृढ़ आस्था होनी चाहिए माँ महाशक्ति में। और दूसरा पुकार, हमारी पुकार जो मैंने अभी बताया, इतनी सच्ची हो, हृदय से पुकार आए, तो माँ महाशक्ति आए बिना नहीं रुक सकती है। थर्ड है समर्पण, टोटल सरेंडर कर देना है। हमने किसी चीज के लिए भी अपनापन नहीं दिखाना कि ये मेरी है, मैं इसको कैसे छोड़ू, मैं तो इसको नहीं दे सकती, ये तो मेरी चीज है। हमने पूरा समर्पण करना है। यह पथ स्वाभाविक सा है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे हमें आदत पड़ती चली जाएगी। अब हमें तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी, परंतु प्रभु हमारी हाथ पकड़कर हमें आगे लिए चले जाएंगे। जब एक बार देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बच्चा अगर अपनी माँ को उंगली पकड़ाता है, कहीं वो मेले में या कहीं तमाशे में देखने जा रहा है, कहीं मार्केट में मॉल में घूम रहा है, तो बच्चा अपनी उंगली छुड़ा के भाग सकता है। कुछ भी उसको अट्रैक्शन दिखी, माँ का हाथ छुड़ा के भाग जाएगा। परंतु यदि माँ महाशक्ति हमारा हाथ पकड़ लेगी, तो महा महाशक्ति हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, वो अंत तक नहीं छोड़ेगी, जब तक वो हमें अपने साथ जोड़ नहीं लेगी। ये विश्वास महाराज ने हमें बार बार दिलाया है, महाशक्ति हमारा हाथ पकड़ेगी, जब तक हमें अंत तक प्रभु से नहीं मिलाएगी, तब तक हमारा हाथ महाशक्ति नहीं छोड़ेगी। अब जिम्मेदारी महाशक्ति की हो गई है, इसलिए हमें महाशक्ति पर पूर्ण विश्वास करके इस रास्ते पर चलते ही जाना है। क्योंकि ये विश्व जो विकास कारणी शक्ति है, उसी के अवतरण, उसी के प्रभाव को व्यक्ति में तीव्र करने से इस पथ में विकास हमारा होता है। इस पथ में देखिए, इस पथ में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अवरोह पथ में, इस पथ में देह के अनिष्ट का भय ही नहीं है। आरोह पथ में है, जे देह अनिष्ट हो सकती है, परंतु हमारे में देह पथ में देह का अनिष्ट का कोई भय नहीं है। क्यों? कि हमारे को महाराज ने संभाला हुआ है, महाशक्ति ने संभाला हुआ है, वो गिरने हमें देंगे ही नहीं। जहां हम गिरने लगे, वही वो हमें थाम लेंगे। अब अवरोह पथ में अध्यात्म विकास के लिए हम मंत्र का उपयोग करते हैं। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें प्रोग्रेस कैसे करनी है? हमें गुरु महाराज अध्यात्म में विकास के लिए एक मंत्र देते हैं, और मंत्र जो है, मंत्र जाप हमें करना होता है, नियम से करना होता है। जैसे मैंने अभी बताया, हमारे गुरु महाराज का मंत्र है राम नाम। हमने राम नाम जपना है। अब देखिए, मैं इसमें आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार दिल्ली में अकबर के दरबार में अकबर जी ने सब लोगों से पूछा कि तुलसी, उनके समय में तुलसी बहुत अच्छे कवि थे और सूरदास जी थे, कि तुलसी बहुत अच्छे कवि हैं और सूरदास जी अच्छे कवि हैं, अब दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, दोनों समकालीन कवि हैं। तो सभी जो सूरदास के फेवर के थे, सबने कहा जी सूरदास बहुत अच्छे कवि हैं, और तुलसीदास जी के फेवर में थे, उन्होंने कहा जी तुलसीदास बड़े अच्छे कवि हैं। अब अकबर जी कहते हैं इसका फैसला कौन करेगा, कि दोनों दोनों अपने अपने पक्ष वाले बोल रहे हैं। अचानक उस समय सूरदास जी भी दिल्ली आए हुए थे, तो वो भी अकबर जी के दरबार में आ गए थे। तो अकबर जी ने कहा चलो सूरदास जी बैठे हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि सब दोनों में से आप और तुलसीदास में जी से कौन श्रेष्ठ है। उन्होंने सूरदास जी से ये प्रश्न किया। सूरदास जी बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो अकबर जी के और सब दरबारियों ने बोला ये तो अपने मुंह मियां मिठू वाली बात है, आपने अपने आप को श्रेष्ठ बता दिया, आप सबूत बताइए आप कैसे श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं लिखता हूँ कविता, जो तुलसीदास जी लिखते हैं वो कविता नहीं लिखते, उनका तो एक एक शब्द जो है मंत्र है, वो मंत्र शब्द जो है ना वो रामायण में भरा पड़े हैं, राम। अब राम शब्द का देखिए, पिछली बार आपने पद्मा देवी से मीनिंग सुना था, कितना अच्छा मीनिंग उन्होंने बताया था। अब दूसरा मीनिंग मैं बताती हूँ, उन्होंने हिंदी में बताया था, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। राम मीन्स आर ए एम, आर मीन्स राइट, ए मीन्स एक्शन, एम फॉर मैन, राइट एक्शन मैन। जब हम अपने कर्म सारे ठीक करेंगे, गलत कर्म ही नहीं करेंगे, तो हमारे कोई कुसंस्कार बनेंगे ही नहीं। इसलिए हमने अपने जीवन में राइट एक्शन मैन बनना है, वही राम का शिष्य बन पाएगा। देखिए, उसके लिए हमें अपने थॉट्स भी अच्छे रखने चाहिए। थॉट्स जो है क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं विचार। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार बिल्कुल उच्च विचार होने चाहिए। हमें
जो नेगेटिव विचार हमें आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वो हमें नीचे गिराती जाएंगी। हमने उच्च विचारों को अपने जीवन में स्थान देना है, जिससे हमारे जीवन में प्रोग्रेस अच्छे से अच्छी हो पाए। देखिए, मैन चेंज इज करेक्टर बाय चेंजिंग इज थॉट्स। मनुष्य अपना विचार बदल लेने से अपने चरित्र को बदल सकता है। अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए, नीचे गिराने वाले थॉट्स कभी मत लाइए, कभी नहीं सोचिए। कितनी मुश्किल की घड़ियां भी आए ना, कभी नेगेटिव विचार अपने हृदय में मत आने दीजिए। दूसरा है, पॉवर्टी इज इटसेल्फ इज नॉट सो बैड एज द पॉवर्टी ऑफ थॉट्स। जो पॉवर्टी थॉट्स में नीचे गिर जाओगे तो फिर गरीबी इतनी भारी नहीं पड़ेगी जितनी आपके विचार, क्योंकि विचार अगर आपके नेगेटिव होंगे तो हमको ले डूबेंगे, हम नीचे गिर जाएंगे। अब इसमें एक छोटी सी दो लाइनें हैं, ये भाग्य भाग्य जो कहते हैं, हम लोग सब किस्मत किस्मत कहते हैं, ये भाग्य भाग्य जो कहते हैं, ये है विचार का लोक नाम, ये विचारों का ही नाम है। चुन लो खुद अपना भाग्य मार्ग, धीरज से करते चलो काम। धीरज से जो प्रभु ने हमें काम दिए हैं, हमने उन्हीं को करते चले जाना है, धैर्य धारण करके। क्यों? कि प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर हम अच्छे काम करेंगे अवश्य ही हमें उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, देर से मिले पर मिलेगा जरूर, क्योंकि कर्मों के सिद्धांत कहीं जाते नहीं है। चाहे हम बुरे कर्म करें चाहे अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है और अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। अब देखिए, इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, हो सकते हैं आपको एग्जाम्पल से जल्दी समझ आएगी। ये कहानी सभी को पता है कि दशरथ जी एक बार शिकार खेलने गए। वहां पे श्रवण माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा था, उनकी डोंगी एक जगह रख के वो श्रवण कुमार जी पानी लेने के लिए माता पिता के लिए गए। जब वो बुलटोई में पानी भर रहे थे तो दशरथ को लगा कि कोई जानवर है, तो उसने उसके ऊपर बाण चला दिया और वो बाण श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार मर गया। और श्रवण कुमार ने कहा, ऐसा करो जिसने भी मेरे को मारा है, ये जल का बर्तन ले जाओ और मेरे माता पिता को जल पिला दो। अब जब दशरथ जी जल पिलाने जाते हैं तो माता पिता चाहे अंधे हैं परंतु अपने बच्चे की पैरों की आहट को पहचानते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये कोई और आया है, आप बताओ कौन हो, आप बताओ कौन हो। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, वो सारी घटना सच सच बता देते हैं कि मेरे से ऐसे ऐसे जानवर समझ के मेरे से तीर चल गया और श्रवण कुमार का देहांत हो गया। तो माता पिता इतने दुखी होते हैं कि उसको श्राप दे देते हैं दशरथ जी को, कि जैसे हम अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए प्राण छोड़ रहे हैं, ऐसे ही तू भी अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए प्राण छोड़ेगा। अब देखिए, उस समय उनके बच्चा नहीं था, दशरथ के पुत्र नहीं थे, राम जी नहीं पैदा हुए थे, परंतु वो कर्म कर चुके थे, दशरथ जी के हाथों वो कर्म हो चुका था। कितने समय बाद उनको वो कर्मों का फल मिला। इस प्रकार तभी कहते हैं, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे भाग्य भी अच्छे होते जाएंगे। हम कर्म जो भी करें, एक मिनट के लिए पहले मन में विचार कर लें कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, कहीं गलत कर्म तो नहीं हुआ, मेरे इस कर्म से किसी को नुकसान तो नहीं हो सकता। हम अपना नुकसान भले कर लें पर दूसरे का नुकसान हमें नहीं करना है, तो इसलिए हमें दो मिनट सोच के तब किसी कर्म में हाथ डालना चाहिए। ये हमें बड़े ध्यान से चलना है। अब हमें और साधना पथ में क्या करना है? हमारे साधना पथ में महाराज ने लिखा है कि जन्म सिद्ध संस्कारों का प्रगति विरोधी, जो भी हमारे प्रोग्रेस में रुकावट पैदा कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ना है और हमें कोई पैर खींच रहा है, हमारे ही कुसंस्कार हैं जो हमें कुछ करने नहीं दे रहे, उनको खुशी खुशी निर्मूलन कर डालना, जड़ से उखाड़ कर फेंक दे कि हम इस बात को नहीं मानेंगे। प्रगति विरोधी जन्म सिद्ध संस्कार जो हमारे कितने जन्मों के अंदर भरे पड़े हैं, प्रगति विरोधी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उन संस्कारों को निर्मूलन कर देना, जड़ से निकाल कर फेंक देना। संकोच और उसके साथ लगा हुआ दमन ही हमारे विकास में विरोधी होता है। अब महाराज ने बार बार लिखा है कि कभी भी आपके मन में कोई बात आती है, महाराज कहते हैं कि अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं, चाहे उनको सब कुछ पता होता है परंतु फिर भी वो कहते हैं, उनका मन होता है कि मेरा भक्त एक बार मुझे बताए तो सही कि मुझे क्या परेशानी है। तो महाराज कहते हैं, जो बात मन में उठ रही है उसे मुंह तक ले आओ, मुझे बताओ एक बार ही। स्वामी जी कहते हैं, मैं तो जीवन को और जीवन की जिम्मेदारियों को और भोगों को प्रभु से ही स्वीकार करना जानता हूँ। जो कुछ मुझे मिला है, जो भोग है, जो जीवन में दुख भी है, देखिए महाराज ने ये कहीं नहीं कहा कि अगर मेरे शिष्य बन जाओगे
तो तुम्हें हर जगह सुख ही सुख मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। ये महाराज ने कहीं नहीं लिखा। महाराज ने कहा है कि मेरा शिष्य बनोगे तो आपको दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, सब कुछ होगा, धन की कमी भी होगी, परंतु आपको, हम सबको उस दुख को सहने की शक्ति मिलेगी, वो सहने की शक्ति। और महाराज ने एक और पॉइंट ये लिखा है, बार बार लिखा है ये बात अपने पत्र के, उसमें स्वामी जी ने बहुत लेटर्स लिखी है अपने साधकों को, जो साधक होते थे अपनी प्रॉब्लम आती थी वो बताते थे, तो महाराज उनकी प्रॉब्लम में क्या बताते थे कि ये जो प्रॉब्लम आपको आई है ना, इसको सहने की शक्ति। और दूसरा ये बता रहे थे कि हम नाम जप जो करते हैं, महाराज ने ये पॉइंट भी बार बार बोला है, जितना हम नाम जप करते हैं, अगर उसके अगेंस्ट हम बोले कि मैंने तो आज 1,00,000 जाप कर लिया, मैं 10 दिन से लगातार महाराज आपका जाप कर रही हूँ, मुझे तो घर दे दो बड़ा, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो, या मुझे बेटा दे दो, तो ये चीजें अगर हम मांगेंगे, महाराज ने लिखा हुआ है, तो हमारा व्यापार हो जाएगा। मैंने आपको नाम जप दिया, मुझे दे दो, महाराज कहते हैं मैं दे दूंगा, परंतु वो आपका नाम जप जो है खत्म हो जाएगा, उसका फिर कोई फल नहीं मिलेगा। अगर हमें नाम जप का फल लेना है तो हमें अध्यात्म का ही लेना है। महाराज ने कहा नाम जप करते हुए अध्यात्म में आगे बढ़ना है, संसारिक वस्तुएं नहीं मांगे, क्योंकि संसारिक पदार्थ जो है, जो हमारे प्रारब्ध में है, वो हमें मिलेंगे ही। देखिए एक पुरानी कहावत है बुजुर्गों की कही हुई, कोई हाथ से छीन सकता है, माथे से नहीं छीन सकता। जो हमारे हाथ में लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, पक्की शर्त है। तो हमें पुरुषार्थ किसके लिए करना है? प्रभु प्राप्ति के लिए। हम पुरुषार्थ करें जिससे हम प्रभु तक पहुंच सके, इसके लिए। तो महाराज ने कहा है कि मैं जो तुम लोग मेरे पास नाम जप करते हैं, और महाराज ने कहीं अपने आप को गुरु नहीं कहा, महाराज ने कहा है मैं आपका पथ प्रदर्शक हूँ, जिस रास्ते से मैं चला हूँ, और माँ महाशक्ति का मुझे आशीर्वाद मिला है, और महाशक्ति ने मेरा हाथ पकड़ कर मेरे से सेवा करवाई है, वही हाथ मैं तुम्हारा भी महाशक्ति को पकड़ा सकता हूँ। देखिए महाराज ने कितनी बार कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य इतना स्वामी पर डिवोटी हो जाता है कि गुरु से भी आगे निकल जाता है। इसको भी मैं आपको एक सत्य घटना में समझाती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी घटना। आपको पिछली बार पद्मा दीदी ने बताया था कि स्वामी सत्यानंद जी के शिष्य है हमारे महाराज, तो स्वामी सत्यानंद जी के पास जब हमारे महाराज नहीं माने कि मैंने तो संन्यास लेना ही है, मैंने घर छोड़कर जाना है, तो महाराज के परिवार वाले इनको स्वामी सत्यानंद जी के पास लेके गए कि इनको अपना गुरु मानते हैं, तो हो सकता है इनका कहना मान ले। महाराज ने, सत्यानंद जी ने बहुत समझाया महाराज को, देखो अभी आपकी बहुत छोटी अवस्था है, अभी बहुत काम है, गृहस्थी में नौकरी करो, कुछ पैसा आएगा, वो है, बहुत समझाया। तो महाराज ने एक बात दृढ़ धार ली कि मैंने नहीं करना तो नहीं करना, मैंने संन्यास लेना है, बहुत समझाया सत्यानंद जी ने। फिर महाराज ने जब देखा सत्यानंद जी ने कि इनको इतना समझाने पर भी ये नहीं मान रहे, तो महाराज के परिवार वालों को स्वामी सत्यानंद जी ने क्या बताया कि जहां मेरी विद्या खत्म होती है, और स्वामी सत्यानंद जी की आयु बहुत अच्छी थी, वो 99+ में गए थे, तो स्वामी सत्यानंद जी ने कहा जहां मेरी विद्या समाप्त होती है वहां से इस बच्चे की विद्या शुरू होती है। और स्वामी सत्यानंद जी को पूरा भरोसा था कि ये बच्चा मेरे नाम को आगे बहुत चलाएगा, परंतु जब स्वामी हमारे महाराज ने शरीर छोड़ा तो स्वामी सत्यानंद जी को इतना दुख हुआ कि जिस बच्चे पर मुझे इतनी उम्मीदें थी उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। और वो उनका ये भी थी, महाराज स्वामी सत्यानंद जी और ये दोनों इकट्ठे बहुत घूमे हैं, बहुत यात्राएं इन्होंने की हैं, तो वो क्या कहते थे, स्वामी सत्यानंद जी महाराज को अपने पांव नहीं छुआने देते थे कि देख जो तेरे पांव छूते हैं तेरी शक्ति चली जाती है। तो स्वामी जी क्या कहते थे, हमारे महाराज बताते थे कि ये शक्ति मेरी तो है ही नहीं, ये शक्ति तो माँ महाशक्ति ने दी है, तो ये शक्ति मुझे बांटने के लिए मिली है, मैंने अपने लिए थोड़ी रखनी है, महाशक्ति ने मुझे जो पावर दी है ये मैंने सब में बांटनी है, और वो बांटते रहे, इसीलिए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अभी आगे क्या है, अब लोगों ने हमें, अब कहते हैं जो और सन्यासी हैं जिन्होंने जीवन सन्यास लिया है उन्होंने जीवन से भागना सिखाया है, परंतु मैंने जीवन से भागना नहीं। वो कहते घर में रहकर उन्होंने आश्रम नहीं बनाए कि घर कोई हर घर आश्रम बन जाए। आश्रम का मतलब क्या है, एक छोटा सा मीनिंग समझाती हूँ, आश्रम आओ और श्रम करो, ये नहीं कि बैठे बैठे रोटी खाओ, कुछ काम करो तब खाना खाओ,
बिना मेहनत के नहीं खाओ, आ और श्रम कर। संसारिक संबंधों को तोड़ना, मैंने तो सीखा है सभी कुछ प्रभु से स्वीकार करना। हमें कुछ भी मिला है, जो भी मिला है, हमने प्रभु से ही स्वीकार करना है। जैसे प्रभु की इच्छा होगी वैसे ही हम रहेंगे। अब मैं एक दो पॉइंट्स आपको और सुनाती हूँ। हम लोग बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक की मैं आपको व्याख्या के द्वारा समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। भागवत चैतन्य के बीज मंत्र दान भागवत चैतन्य के बीज का आरोपण है। प्रभु जो है हमारे अंदर, पहले जैसे हम पुकार करेंगे हमारे अंदर हृदय में भूमि तैयार होगी, फिर गुरु उसमें बीज डालेगा, फिर बीज डाल के उसकी रक्षा करेगा। वो बीज हमें उन्होंने मंत्र दे दिया, हम मंत्र जाप करते जाएंगे तो बीज हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो एक वट वृक्ष बनता जाएगा। और मंत्र साधना इस प्रभाव को प्रबल करने वाली शक्ति का सुचारू रूप से आरोपण है। हम जितना जितना मंत्र जाप करेंगे उसी से हमारा ये प्रबल शक्ति का सुचारू रूप से आरोपण होगा। गुरु ब्रह्मा बनकर भागवत चैतन्य का बीज डालते हैं। गुरु बीज डालता है, हमें जन्म देता है तथा महाशक्ति के प्रभाव को जागृत करते हैं हमारे अंदर। जो महाशक्ति हमारे अंदर सोई पड़ी है उसको जागृत करते हैं। उठो, नाम जपो, आप ऐसे सोने वाले नहीं हो, अध्यात्म विकास के पथी को आगे बढ़ो, यह गुरु का प्रथम कार्य है। अतः गुरु आरंभ में कहा गुरु ब्रह्मा है। अब गुरु का इतने में ही कार्य समाप्त नहीं हो जाता। माली बीज डालकर निश्चिंत नहीं हो जाता। यदि वह ऐसा कार्य करे तो बीज की सारी संरचना ही शक्ति नष्ट हो जाएगी। एक बार डालकर छोड़ दो, कभी देखो ही ना, तो बीज सड़ जाएगा अंदर पड़ा और बीज गलकर खाक हो जाएगा। बीजारोपण के तुरंत बाद से माली उसकी देखभाल शुरू कर देता है। ऐसे ही गुरु उस भागवत चैतन्य के बीज के विकास की जिम्मेदारी ले लेता है। ये गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। इस प्रसंग में स्वामी जी लिखते हैं, पथ प्रदर्शक का दूसरा कार्य साधक के विकास की देखरेख है। अब जिसको मैंने मंत्र दान जो दिया, इसका विकास भी हो रहा है कि नहीं? जैसे माली पौधे को लगाकर छोड़ नहीं देता, उसको कोहरे से बचाने का प्रबंध करता है, समय पर खाद देता है और जरूरत हो तो काट छांट भी करता है, तभी जाकर वह बीज एक विशाल काय वृक्ष का रूप धारण करता है। पथ प्रदर्शक ठीक इसी तरह से रास्ते का संतरी बनकर साधक को की देखरेख करता है और समय पर उसकी प्रगति को तीव्र करने का प्रयत्न भी करता है। वह साधक में पनपती हुई आत्मशक्ति के लिए अतः उसके विकसित होते हुए आत्मचैतन्य के लिए पिता भी है। अब देखिए, ये पिता भी बन गए और माँ भी है। विकास की देखरेख पालन पोषण माँ का ही तो काम है, माँ का ही तो काम है और सृष्टि के लिए यह कार्य विष्णु भगवान करते हैं। अतः गुरु को विष्णु भी कहा गया। श्लोक की प्रथम पंक्ति के अंत में गुरु को महेश्वर भी कह दिया गया। इस कला में भगवान संहार करता रुद्र के रूप में अपना तांडव नृत्य हर समय करते रहते हैं। इसी भाव को स्वामी जी लिखते हैं, अध्यात्म विकास के पथ में विनाश अखंड होता है, परंतु विनाश की उपयोगिता क्या है? विनाश बाधक नहीं होता। अब भगवान क्या करते हैं, शिव महादेव क्या करते हैं, हमारे अंदर के कुसंस्कार जो भरे पड़े हैं उनको निकाल कर बाहर फेंकते हैं, जिससे हमें अच्छे संस्कारों के लिए जगह मिल सके। विनाश क्या है? अमूल चूल परिवर्तन ही तो विनाश कहलाता है, परंतु शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश कभी नहीं होता। विकास कारणी शक्ति सारी सृष्टि को विकास मार्ग पर निरंतर लिए जा रही है। अब जो विकास कारणी शक्ति है सारी सृष्टि को, हम सोए हों, जागे हों, कुछ कर रहे हों, हमें विकास कारणी शक्ति आगे से आगे बढ़ाती जा रही है। हमें नहीं पता लगता वो कैसे बढ़ा रही है। इस प्रकार व्यक्ति का आंशिक परिवर्तन तो पल पल हो रहा है। देखिए, जो कल मेरी आयु थी या 2 साल में थी, वो 2 साल तो मेरे वेस्ट हो गए ना, मैं खत्म हो गई हूँ 2 साल में। मृत्यु तब भी हुई है, परंतु जो दूसरी मृत्यु है उसमें शरीर का बदलना होता है, उसके बिना तो विकास असंभव है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इसी को तीव्र वेग से ले जाने के लिए समुच्चय परिवर्तन की आवश्यकता होती है। गुरु की सहायता से यह कार्य सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, अतः महेश्वर भी है। देखिए, एक ही गुरु 3 चीजें हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं। अब अंत में देखिए गुरु जी को क्या कह दिया। आगे कहते हैं, गुरुदेव पर ब्रह्म, अब ब्रह्म भगवान भी बन गए।
अभी तक तो भगवान की विभिन्न कलाओं में ही गुरु को देखा गया था, अब उसे साक्षात भगवान ही कह दिया गया है। हमारे पथ में जो शक्ति के अवरोह का मारा गया पाथ ऑफ डिसेंट, इसमें स्थिति थोड़ी अलग है। इसे हमारे महाराज ने इस प्रकार कहा है, पथ प्रदर्शक का कार्य महाशक्ति के कृपा प्रवाह को प्रेरित कर देना है। अब पथ प्रदर्शक जो महाराज है हमारे, उनका क्या कार्य है, जो महाशक्ति की कृपा आ रही है उसके प्रवाह को, उसके वेग को और तेज कर दे ताकि साधक जल्दी से जल्दी आगे बढ़ पाए। विकास कारणी प्रधान शक्ति तो माँ महाशक्ति ही है, पथ प्रदर्शक नहीं। महाराज ने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा, परंतु महाराज ने ये कहा है कि मैं अपने साधक का हाथ महाशक्ति के हाथ में पकड़ा कर छोड़ूंगा, अंत तक महाशक्ति की जिम्मेदारी है, गुरु महाराज की ही जिम्मेदारी है। वे माँ अपनी कृपा से साधक को चाहे तो पथ प्रदर्शक से भी ऊंची अवस्था में ले जाए। जैसे वही बात मैंने अभी बताई स्वामी सत्यानंद जी वाली, कि हमारे स्वामी जी अपने गुरु से भी आगे निकल गए थे, वही पथ प्रदर्शक से भी ऊंची अवस्था में ले जाए। कालांतर में पथ प्रदर्शक की साधक की भावी उच्च अति उच्च स्थिति की सीमा कदापि नहीं है। अब ये कह रहे हैं पथ प्रदर्शक की जो अवस्था है, साधक की भावी उच्च उच्च साधक की उससे ऊंची भी हो सकती है। पथ प्रदर्शक तो जिस माँ ने उसकी बाह पकड़ रखी है उस माँ को ही साधक की बाह पकड़ा देता है। जैसी उसकी वास्तव में सारी जिम्मेदारी माँ ने उठाई है, उसी प्रकार से साधक की अंतिम जिम्मेदारी माँ ने ही उठाई है। वह जब सजग रूप से किया करता है तो माँ का प्रतिनिधि बनकर, देखिए गुरु को क्या कह दिया, माँ का प्रतिनिधि बनकर करते हैं, माँ का प्रतिरूप बनकर, तभी कहा गुरुदेव परम ब्रह्म। यदि गुरु और प्रभु में द्वैत भाव ना रखें तो साधना में विशेष प्रगति होती है, रास्ता छोटा हो जाता है तथा व्यक्ति अपने को लक्ष्य से अधिक निकट पाता है। अब देखिए उसमें हमें गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन व्यक्ति देवता अलग अलग हैं, परंतु यहाँ पर एक गुरु ही सब कार्य करता है। धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कुछ बात नहीं समझ आई तो कृपया मुझे बता दीजिए, मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूंगी आप लोगों को। समय हो गया। राम राम जी, राम राम सभी को। कोई प्रॉब्लम, कुछ बात नहीं समझ आई तो प्लीज बता दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूं आपको। राम राम जी। विनती बेटे, किसी को नहीं समझ आई तो बता दो, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ ले अभी। आंटी आप, आंटी जी, रमन आंटी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली म्यूट कर दिया था सभी को, तो आप जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन पूछना, या तो अगर कोई क्वेश्चन है तो। आंटी जी अभी कुछ समझ नहीं आया तो, या कुछ समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन हो आपका किसी का भी। बहुत आनंदित कर दिया आंटी आपका प्रवचन तो, बहुत बहुत हम लोगों को धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद आंटी कि आपने। महाराज ने बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, वही बोला महाराज ने ही बोला। बहुत आनंद आया हम लोगों को और बस कृपा बरस रही थी आज। मैंने आज सुबह भजन सुना था, मैया बरस बरस रस बारी, वही फीलिंग हो रही थी कि आपकी वाणी से वही राम नाम। बच्चे ये भावना बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैंने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला, जो बोला है महाराज ने ही बोला है, सब कुछ वही है, मेरे अंदर से आवाज उन्होंने निकाली है। बहुत अच्छा, गुरुवाणी, गुरुवाणी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल गुरुवाणी है। और अभी हम लोग के साथ पूनम जायसवाल दीदी हैं, तो वो अगर अभी यहाँ पर हैं तो भजन, आप दीदी आप हैं अभी ना यहाँ पर? हाँ, वही बोलते हैं। राम राम, राम राम दीदी, तो राम राम रमन बहन जी, राम राम जी, राम राम, राम राम आंटी, राम राम, राम राम, राम राम जी, सबको राम राम, राम राम भैया, राम राम रमन जी, राम राम रमन दीदी, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, सभी लोग को मेरा राम राम, राम राम, राम राम, राम राम सबको, राम राम सभी को। और अभी हम लोग राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम सबको, राम राम, राम राम।
और रमन भाभी कैसी हो? राम राम भाभी जी बहुत अच्छा लगा। आप कैसे राम राम सबको? आप कैसी भाभी? हाँ जी हेलो, आप कैसी हैं? ठीक हूँ भाभी, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, और आज के चरणों में बैठे हैं दीदी, आज के चरणों में बैठे हैं। हेलो, अच्छा अभी हम लोग भजन हाँ, कर लेते हैं। हाँ, करिए करिए भजन कर लेते हैं। मैं सबको सबको फिर से म्यूट कर रही हूँ और केवल पूनम दीदी जो है वो अनम्यूट कर लेंगे। ठीक है दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पूनम दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर, अच्छा कर लिया। सत्संग में उपस्थित सभी साधक भाई बहनों को मेरा राम राम। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री राम तुम्ही को हे आनंद घन चाहती हूँ, तुम्ही को हे आनंद घन चाहती हूँ। जगत का मैं कोई न धन चाहती हूँ, जगत का मैं कोई न धन चाहती हूँ। तुम्ही को हे आनंद घन चाहती हूँ। आए मुझे मोह माया कहीं रह न जाए, मुझे मोह माया प्रभु तुम में तल्लीन मन चाहती हूँ, प्रभु तुम में तल्लीन मन चाहती हूँ। तुम्ही को हे आनंद घन चाहती हूँ, वही अब करूँ जो कि तुम चाहते हो, वही अब करूँ जो कि तुम चाहते हो। मैं चाहूँ कपनी दमन चाहती हूँ, मैं चाहूँ कपनी दमन चाहती हूँ। तुम्ही को हे आनंद घन चाहती हूँ। जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, वहीं पर मैं इसका शमन चाहती हूँ, वहीं पर मैं इसका शमन चाहती हूँ। तुम्ही को हे आनंद घन चाहती हूँ। मिटे जिस तरह से यह भव दुख बंधन, मिटे जिस तरह से यह भव दुख बंधन, मैं ऐसा ही साधन भजन चाहती हूँ, मैं ऐसा ही साधन भजन चाहती हूँ। तुम्ही को हे आनंद घन चाहती हूँ,
नहीं दिख रहा और कोई सहारा, नहीं दिख रहा और कोई सहारा, प्रभु मैं तुम्हारी शरण चाहती हूँ, प्रभु मैं तुम्हारी शरण चाहती हूँ, तुम्ही को है आनंद घन चाहती हूँ, तुम्ही को है आनंद घन चाहती हूँ, जगत का मैं कोई न धन चाहती हूँ, जगत का मैं कोई न धन चाहती हूँ, तुम्ही को है आनंद घन चाहती हूँ। सभी को राम 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 आंटी राम राम दीदी बहुत आनंद आ गया। अब आपको क्रेडिट नहीं देंगे, गुरु जी को ही देंगे और रमन आंटी ने सिखा दिया। बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल सबके अंदर से वही बोल रहे हैं कि गुरु जी की किसी में अपना बल नहीं है, किसी में अपना बल नहीं है, गुरु की प्रेरणा है आंटी, जो बिल्कुल सबने कहा और वही मेरे अंदर से बोल रहे हैं, वही अंदर से वही बोल।